हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने चैनल पे लाई हूँ एक रूम मेकओवर। काफ़ी मिनिमल सा रूम मेकओवर है। मैंने अपने घर के एक रूम को थोड़ी सी राजस्थानी, थोड़ी सी ट्रेडिशनल वाइब्स देने की कोशिश की है, तो उसी का मेकओवर मैं आपके लिए लाई हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेकओवर पसंद आएगा, क्योंकि मैंने चैनल पे आज तक जितने भी मेकओवर डाले आप लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं। तो उसकी जो मेकओवर की पूरी सीरीज है मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं आप और किस तरीके के वीडियो, किस तरीके के मेकओवर या होम डेकोर रिलेटेड चीजें मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होगा मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेकओवर से। तो सबसे पहले ये है रूम की करंट सिचुएशन। पहले ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड तो नहीं था, बट इतना मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा मैंने डेकोरेट नहीं किया हुआ था। तो सबसे पहले मैं करूँगी रूम को एकदम खाली। जितने भी सामान है यहाँ पे, गद्दे, कुशंस, बॉलस्टर्स, जो भी है सब चीज़ें मैं रिमूव कर दूंगी। तो मैंने दो साइड पे गद्दे लगाए हुए थे, तो ये है फर्स्ट साइड का गद्दा जो मैंने रिमूव कर दिया, और ये दूसरे साइड का गद्दा और गद्दे और कुशन है, तो ये भी मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगी। अब देखिए रूम अच्छे से क्लीन हो गया एकदम, और साथ ही साथ मैंने कर्टेन्स भी चेंज कर दिए। पहले प्लेन कर्टेन्स लगे हुए थे, अब मैंने थोड़े से राजस्थानी वाइब्स देने वाले प्रिंटेड कर्टेन्स लगा दिए हैं। और फिर क्लीनिंग के बाद मैंने वापस से गद्दे को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। इस बार मैंने दोनों गद्दों को एक के ऊपर एक प्लेस किया है, ताकि थोड़ी सी हाइट क्रिएट की जा सके। गद्दे मैंने जहाँ लगाए हैं उसके पीछे वाली जो वॉल है उस पर मैंने थोड़ी सी राजस्थानी थीम वाली पेंटिंग ऐड कर दी है। और फिर जो नेक्स्ट दीवार थी साइड वाली, उस पर मैंने विद हेल्प ऑफ स्मॉल नेल्स, छोटे छोटे जो नेल्स होते हैं ताकि मेरे को कोई ड्रिल ना करनी पड़े, उसकी हेल्प से ये राजस्थानी थीम वाली पेंटिंग, दो पेंटिंग्स यहाँ पे ऐड कर दी हैं। पूरे रूम की जो वाइब है वो काफ़ी मिनिमल और राजस्थानी है। मैं बहुत ओवर क्लटर्ड नहीं करना चाहती थी यहाँ पे, पर काफ़ी अच्छा सा सूदिंग सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती थी। जहाँ मैंने वो दो पेंटिंग्स लगाई है उनके नीचे मैंने ये चेयर्स लगाई हैं, जो मेरी राजस्थानी वाइब से एकदम मैच कर रही हैं, एकदम अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू दैट। एंड दिस इज़ द लुक आफ्टर कीपिंग द चेयर्स। उसके बाद जो मैंने दोनों गद्दे प्लेस करे थे उन पे भी एक काफ़ी वाइब्रेंट सी अच्छी सी काथा वर्क की चद्दर मैंने लगा दी है, और इसको मैं एकदम अच्छे से टक करके काफ़ी ढंग से यहाँ पे बिछा दूंगी। जब भी आप बेडशीट लगाएं कोई भी गद्दे पे, बेड पे, कहीं पे भी, तो ध्यान रखें कि उसको आप अच्छे से टक करें चारों तरफ से, ताकि एक नीट लुक आए। उसके बाद मैंने गद्दे पे ये बॉलस्टर्स जिनको मसंद कहते हैं उनको प्लेस कर दिया है, और साथ में वही कुशंस, क्योंकि ये एकदम मेरी वाइब के अप्रोप्रिएट थे, तो मैंने कुशंस और जो मसंद के कवर हैं इनको चेंज नहीं किया है। उसके बाद मैंने सेम कुशंस को चेयर्स पे भी प्लेस कर दिया है। और देखिए इंस्टेंटली ये रूम अभी मैंने कुछ इतना डेकोरेट नहीं किया है, फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने गद्दे के नीचे ये एक रेड कलर का रग, काफ़ी सॉफ्ट सा है चलने में भी और दिखने में भी, एकदम मैच कर रहा है वाइब को और अच्छा लग रहा है, वो प्लेस कर दिया है। उसके बाद मैंने एज अ टेबल तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ मैंने यहाँ पे एक चौकी प्लेस की है, तो उसको मैं थोड़े से निकनैक्स चीज़ों से डेकोरेट करूँगी। मैंने यहाँ पे रखे हैं ये कोस्टर्स, उसके बाद एक छोटा सा बुद्धा का स्टैचू प्लेस किया है, और साथ में ये वाटर प्रोपगेशन के लिए प्लांट, मनी प्लांट की कुछ लीव्स हैं जिनको मैंने एक छोटे से कुल्हड़ में प्लेस किया है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल और एक ग्रीन वाइब दे रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने कॉर्नर में एक टेबल रख के और इस पर एक पाम ट्री लगाया है, और साथ ही में उसमें थोड़ी सी फेरी लाइट्स ऐड कर दी हैं, और साइड में भी ऐसा ही सेम एक पाम ट्री लगाया है और फेरी लाइट्स ऐड कर दी हैं।
सो दिस इज द आफ्टर लुक ऑफ माय रूम। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा, काफ़ी मिनिमल सा अच्छा लग रहा है और एकदम ईजी टू मेंटेन है। यहाँ पे कुछ भी ओवर क्लटर्ड नहीं है जिसको हमको बहुत ज़्यादा हटा के और वैसे साफ करना पड़ेगा, और एकदम वाइब को मैच कर रहा है, अप्रोप्रिएट है। तो आई होप आप लोगों को भी ये मेकओवर पसंद आया होगा। ये है नाइट व्यू। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलते हैं जल्दी ही मेरे एक और नए मेकओवर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।